नमस्कार, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस नई भर्ती 2018 दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आई है। देखिए पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें, बिल्कुल पक्की खबर है, ऐसी बात नहीं है कि कोई गलत खबर है। और दोस्तों यहाँ पर नई भर्ती कब आएगी इससे जुड़ी और नियमों में भी दोस्तों यहाँ पर बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली पुलिस की जो नई भर्ती आएगी उसके नियमों में यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी भी है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और बिल्कुल ऑफिशियल खबर देखें। उससे पहले अगर आप दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि दिल्ली पुलिस की नई भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें और आप दिल्ली पुलिस की भर्ती में आवेदन करके कांस्टेबल बनने का सपना पूरा कर सकें। तो दोस्तों देखिए अब हम देख लेते हैं पूरी खबर, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर एक बार ये देख लीजिए, ये खबर है, लेकिन कुछ विद्यार्थी विश्वास नहीं करते कि खबर पुरानी है नहीं। उससे पहले दोस्तों आप एक बार ये देखें, दैनिक भास्कर अखबार नई दिल्ली का, यहां पर तारीख भी देख सकते हो 16 नवंबर 2018 का। और दोस्तों इसी में नीचे ये खबर छपी हुई है, अब हम इस पूरी खबर को पढ़ लेते हैं बिल्कुल विस्तार से। दिल्ली पुलिस में 21 की जगह अब 25 साल की उम्र तक हो सकेगी सिपाही की भर्ती, यानी दोस्तों दिल्ली पुलिस में एज एक बार फिर से इंक्रीज कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई खुशखबरियां इस न्यूज में है, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलेगी। लेकिन दोस्तों सबसे पहली खुशखबरी, कुछ युवा है वो इसमें और एज हो गए थे, उनकी एज है वो निकल गई थी और वो 24 साल से अधिक हो गए थे। तो दोस्तों जो दिल्ली पुलिस की 2016 वाली भर्ती थी उसमें आयु थी 18 से 21 साल, लेकिन 2018 के यानी इसी साल के शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस जारी किया था कि आयु है वो अब 21 साल से बढ़ाकर अधिकतम 24 साल कर दी गई है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से खुशखबरी आई है, अब दिल्ली पुलिस की भर्ती में आयु 18 से 25 साल होगी। पहले ये पिछली भर्ती में 18 से 21 साल थी, यानी अब 4 साल तक के और युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी तो दोस्तों यही है, क्योंकि अगर आप आवेदन ही नहीं कर सकते तो आगे उसमें आपको कोई भी लेना देना नहीं रहता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं और जानकारी। दोस्तों यहां पर देखिए समझाया गया है कि अब अगर आप दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो यहां पर नियमों को जरूर समझ लें। सिपाही के पद पर भर्ती होने की आपकी उम्र अगर निकल गई थी तो यहां पर आपके लिए अच्छी खबर है, अब दिल्ली पुलिस की नई भर्ती जो होगी उसमें आयु है वो दोस्तों 21 की जगह 25 साल ली जाएगी। और इस खबर में क्या क्या बताया गया हम देखते हैं। एक और दोस्तों यहां पर इसके साथ साथ एक अच्छी खबर यह भी है, यहां पर अब टैटू के नियम में भी बदलाव किया गया है। जी हाँ, जो आपके शरीर पर टैटू होते हैं उनके नियम में देखिए बड़ा बदलाव हुआ है। बाएं हाथ या कोहनी के 1/4 हिस्से पर बना टैटू मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर टैटू पर जो बैन था उसमें भी अब ढील दी गई है। और आपके लिए अच्छी खबर है, अगर आपके बाएं हाथ की कोहनी पर 1/4 हिस्से पर कोई भी टैटू बना हुआ है, कोई भी नाम लिखा हुआ है, यहां पर बताया गया है कोई धार्मिक नाम चिन्ह होगा तो वो स्वीकार्य होगा, जैसा कि सेना भर्ती में होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर गया है कि मान्य तभी होगा अगर ये बाएं हाथ या कोहनी में हो और उस हिस्से के 1/4 साइज से बढ़ाने हो। यानी दोस्तों अगर आपके हाथ पर है तो आपके हाथ की जो कोहनी है उससे 1/4 से अगर बड़ा हुआ तो मान्य नहीं होगा, अगर छोटा है तो चल जाएगा। यहां पर आपको ये दी गई है, बताया गया कि सैल्यूट की वजह से टैटू अयोग्य बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर मान लो आपका दाएं हाथ है उसमें अगर टैटू हुआ तो दोस्तों वह अयोग्य होगा। उसका कारण है कि दाएं हाथ से सैल्यूट किया जाता है और इसी कारण दाएं हाथ पर टैटू अनिवार्य नहीं है, अगर बाएं पर है तो चल जाएगा, बाएं पर यहां पर आपको टैटू में छूट दी गई है। दोस्तों दैनिक भास्कर की खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें, अब दिल्ली पुलिस की नई भर्ती है वो इसी साल के अगले महीने में, जी हां दोस्तों 12वें महीने के शुरुआत में, यानी आज से लगभग 20-25 दिन बाद ही लगभग दिल्ली पुलिस की नई भर्ती आने की संभावनाएं फिलहाल नजर आ रही हैं। यहां पर दोस्तों पहली खुशखबरी तो आपको आयु में मिल चुकी है, टैटू में मिल चुकी है, और अब ये बड़ी खुशखबरी भी आपको जल्द मिलने वाली है कुछ ही दिनों में कि दिल्ली पुलिस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दें, भर्ती है वो बिल्कुल बंपर पदों के ऊपर होगी, पदों की संख्या 2-3 या 4 हजार नहीं बल्कि लगभग 7 हजार के आसपास होगी। यानी दोस्तों दिल्ली पुलिस की नई भर्ती
7000 पदों के ऊपर अब जल्द आने वाली है। और दोस्तों दिसंबर के शुरुआत में इसके आने की संभावनाएं फिलहाल सबसे ज्यादा नजर आ रही है। हो सकता है कि नवंबर के लास्ट तक भी आ जाए, लेकिन दोस्तों दिसंबर का जो शुरुआत के एक या दो वीक होंगे उनमें आपको एक खुशखबरी हम दे सकते हैं, ऐसा कि यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में बार बार दिल्ली पुलिस की नई भर्ती के बारे में खबर छप रही है। और दोस्तों नियम को बदला गया है। अब आप सोचिए, अगर मान लो कोई भर्ती है वो अभी आनी नहीं है इस 2018 के साल के अंदर, कुछ डाटे कहते हैं कि अभी भर्ती नहीं आएगी एक या दो साल, तो दोस्तों अगर कोई भर्ती अभी नहीं आनी तो उसके नियमों में परिवर्तन अभी कभी नहीं हो सकता। अगर कोई भर्ती आ रही है तभी उसके नियमों में परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी 2020 के अंदर और नियमों में परिवर्तन हो रहा है अब, ऐसा कभी भी नहीं होता। नियमों में परिवर्तन हो रहा है कारण है कि दिल्ली पुलिस की नई भर्ती अब बिल्कुल सिर के ऊपर आ चुकी है। बहुत ही जल्द आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप दिल्ली पुलिस की नई भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।